हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंजॉइंट प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने ये नहीं बोला है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कि इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है आपके साथ, मतलब पूरी तरह से बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल है। बस आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे सबसे पहली बात कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में शुरू से लेकर लास्ट मंथ तक बिल्कुल एक्टिव रहना होगा। घर के काम काज करते रहिए। काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप पूरे दिन लगी पड़ी है, ठीक है, पूरे दिन नहीं लगे रहना है। और आपको दिन में 2 घंटा आराम जरूर करना है। एक्टिव रहने से मतलब होता है कि आप ऐसा ना करें कि आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी आप मक्कारी दे रही है, फिर भी आप पूरे दिन लेटी है, तो इससे आप किसी और का नहीं बल्कि अपना लॉस कर रही है, ठीक है। प्रेगनेंसी में एक्टिव रहने के कई फायदे होते हैं। आप एक्टिव रहेंगी तो आपका बेबी एक्टिव रहेगा, आप काम वगैरह करती रहेंगी तो आपको भूख वगैरह भी अच्छे से लगेगी, आप जो भी खाएंगी वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और चलने फिरने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी मसल्स मजबूत होंगी। और आप अगर शुरू से लेकर लास्ट मंथ तक टहलती हैं तो इसमें टहलने का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो आराम से खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ से आपने टहलना चालू कर दिया, तो आप जितना ज्यादा टहलेंगी, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी ज्यादातर 8.5 महीने की ही होती है, तो जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आएगा तो बच्चेदानी का मुंह है बड़ी ही आराम से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आए आप थोड़ा ज्यादा ही टहलें। और जब आप टहलेंगी ना तो आपके पेट में दर्द होगा, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बच्चे जो है निकले पड़ रहे हो। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इकट्ठा नहीं टहलना है, टहलना है उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करिए, उसके बाद फिर टहलिए। तो आप इन कामों को जरूर करिए। और अगर आप झाड़ू पोछा करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, तो आप खड़े खड़े कर लीजिए। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टहलें। तो आप जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं, और बिना जानकारी के कोई भी एक्सरसाइज अपने मन से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और सबसे बड़ी चीज कि लास्ट के मंथ है तो आप उकरू बैठ के पोछा नहीं लगा पा रही, तो बिल्कुल मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम कर सकती हैं, आप एक चेयर ले लीजिए, चेयर को आप पकड़ के थोड़ी देर उकरू बैठने की कोशिश करें, फिर आप खड़े हो जाएं, फिर थोड़ी देर बैठें, फिर खड़े हो जाएं। ये काम आपको लास्ट मंथ से चालू कर देना, 8th मंथ होते ही आप थोड़ा थोड़ा चालू कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जो है बच्चेदानी का मुंह बहुत ही आराम से खुल जाएगा, आपके घुटने हैं, आपकी हड्डियां हैं, ये भी काफी मजबूत होंगी। और अब आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे ही आपका 7th मंथ चले तो आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसमें आप अपने बेबी का वेट देखिए कि 7th मंथ के हिसाब से बेबी का वेट बिल्कुल सही है। अगर बेबी का वेट कम है तो आप बिल्कुल अच्छे से खिलाई पिलाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि आप 1 महीने में किस तरीके से अपने बेबी का वेट गेन कर सकती हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो आपको अपना वेट ओवर गेन नहीं करना है, ठीक है, चाहे आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो चाहे आपकी सिंगल प्रेगनेंसी हो। तो इसमें सिर्फ 10 से 12 किलो के अलावा और ज्यादा वेट बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अपना ओवर वेट कर लेती हैं तो ओवर वेट जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी में रुकावट बन जाता है। और दूसरी बात कि आपको अपना वेट कम भी नहीं करना है, आपको मिनिमम से मैक्सिमम 10 से 12 किलो हर हाल में बढ़ाना है। अगर 13-14 भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक बात और है कि आपको अपने बेबी का वेट भी बहुत ज्यादा गेन नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि जब तक आपकी डिलीवरी का टाइम आए बेबी आपका 2.5 से 3 किलो के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बता दूं कि जब आप अपने लास्ट के मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगी 8.5 या 9 महीने में, तो अगर आपके बेबी का वेट 2.5 किलो देता है या 3.5 किलो का देता है तो आपको एक बार ध्यान रखनी है, वहां पे आपके बेबी का वेट ही नहीं देता है बल्कि वहां पे प्लासेंटा का जो वेट होता है उसमें ही ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी बेबी का वेट 3 किलो का शो करता है तो आपका बेबी 2.5 किलो के आसपास है और 2.5 किलो से कुछ कम ही निकलेगा। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आपको एकदम से घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको 7वें महीने में ही अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है ज्यादातर महिलाओं का ब्लड कम रहता है। अगर आपका ब्लड कम आता है तो आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छे से खिलाई पिलाई करनी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा अनार खाएं, ज्यादा से ज्यादा अनार का जूस पिएं, या फिर आप जो है कीवी फल खाना स्टार्ट कर दें, या फिर आप सेब खाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें और आयरन वाली चीजें लें। आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं और आप दालें खाएं। आयरन की जो टेबलेट दी जाती है, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है, वो बिल्कुल खाएं। अपनी बॉडी में आयरन के साथ साथ कैल्शियम की भी कमी ना होने दें,
क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी निकलती है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिलीवरी होते समय काफी सारा ब्लड लॉस होता है, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और आपको अपनी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है, इसके लिए आपको दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना है। और सबसे बड़ी बात कि बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, तो इसलिए महिलाएं जो है पानी नहीं पीती हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगी अपने साथ भी प्लस अपने बच्चे के साथ भी। यूरिन बार बार लगना वो एक बिल्कुल नॉर्मल बात होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो हमारा पेट इतना ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से जो है हमारी यूरिन ब्लैडर पर जो है बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, तो जिस वजह से हमको ऐसा लगता है बार बार यूरिन आ रही है। तो आप कितनी बार भी यूरिन जाए लेकिन पानी पर्याप्त पिए अगर आप चाहती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। हड्डियां अगर कमजोर होंगी तो सीधी सी बात है आप प्रेशर नहीं लगा पाएंगे, आप पुश नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे। तो आपको अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक बना के रखना है, आपको अपनी डाइट में हेल्दी से हेल्दी लेना है, जिसमें आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जितनी भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, कहने का मतलब एक अच्छा खासा संतुलित आहार लीजिएगा, अच्छे से अच्छा खाइएगा और थोड़ा सा जंक फूड को अवॉइड कर दीजिएगा, ताकि आपका भी वेट जो है बैलेंस में बना रहे, प्लस बच्चे का भी वेट गेन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके बेबी का वेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, प्लस बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इतना कुछ तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में, वो होगी आपकी हिम्मत। जी हाँ, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी होगी, प्लस बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा। मैं पहले ही बता दूं, शायद आपको कोई ना बताए कि पहली बार में बच्चेदानी का मुंह खुलने में 10 से 12 घंटे आराम से लग जाते हैं, और जो डिलीवरी का दर्द होता है वो बहुत ही अलग और बहुत ही अजीब सा दर्द होता है। इतना ज्यादा पेन होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है, तो लेकिन आपको फिर भी उसको बर्दाश्त करना है। और ये कोई नई बात नहीं होती है, कोई स्पेशली आपके साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ होता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना ज्यादा दर्द होगा कि आपके मुंह से बस यही निकलेगा, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं, यही शब्द बार बार निकलेंगे। तो प्लीज आप उस टाइम पे थोड़ा सा हिम्मत नहीं, बहुत ज्यादा हिम्मत रखिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर आपने अपने माइंड में ये सेट कर रखा है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगर आप घबरा गई तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराती हैं तो आपके घर वाले पहले परेशान हो जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी है, उस दर्द को हर हाल में बर्दाश्त करना है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो पहला बच्चा तो आ जाएगा, दूसरे बच्चे को आने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस ऊपर वाले का नाम लेना है, दुआ करना है और बस आराम से झेलते रहना है, क्योंकि ऊपर वाला इतनी शक्ति दे देता है पहले से ही, जो भी दर्द होता है वो ऑटोमेटिक झेल जाता है, वो एक सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। तो आप उस दर्द को झेलने के लिए अपने आप को मजबूत करें, प्लस अपनी हड्डियों को मजबूत करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत, हर चीज को बिल्कुल तैयार रखें, मेंटली भी प्लस फिजिकली भी, कि उस टाइम पे बहुत पुश करना पड़ता है, बहुत नीचे को प्रेशर देना पड़ता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और आप बिल्कुल टेंशन में ना रहें, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेना भी नॉर्मल डिलीवरी में रुकावट बनती है। बिल्कुल खुश रहें और बिंदास रहें, बस ऊपर वाले से दुआ करें कि आपकी लास्ट जब मूवमेंट हो तो उस समय कोई भी क्रिटिकल कंडीशन ना पैदा हो। क्योंकि देखिए, हम सब लोग बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना भी ओपिनियन बता दूं, मैं भी पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही थी, मेरी पहली डिलीवरी हुई थी उसमें बेबी गर्ल हुई थी, जिसमें मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। लेकिन सेकंड डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि लास्ट में बिल्कुल सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन जब लास्ट बिल्कुल टाइम पूरा कम्प्लीट हो गया था, उसके बाद में मेरे दर्द नहीं आ रहे थे, प्लस बच्चे भी दोनों उल्टे हो गए थे, तो जिस वजह से हमको सी सेक्शन करवाना पड़ा था। ठीक है, तो वैसे तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, बाकी फिर ऊपर वाले के हाथ पे, अगर लास्ट में कोई सिचुएशन बदल जाती है, बच्चा कुछ जो है अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, बच्चा अपनी पोजीशन बदलने का नाम ही नहीं लेता है, तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और कमेंट करके अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, और आप लोग शेयर नहीं करते आप इसको शेयर जरूर किया करो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में, क्योंकि मेरे भी ट्वीन्स हैं तो मैं बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर पाती, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट जरूर किया करो और एक लाइक कर दिया करो। लाइक करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं इसको जो है कंटिन्यू रखूंगी। और अगर आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर ट्वीन्स प्रेगनेंसी से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।